साडे शहर कांग्रेस कमेटी दे प्रधान पवन दवान जी, सूबे दे साबका वित्त मंत्री सुरेंद्र सिंगला साहब, साडे साबका वजीर और लुधियाना सेंट्रल तो एमएलए सुरेंद्र डाबर जी, साबका एमएलए जसबीर आजा, सवेरे एडी वड्डी गिणती चाहे कोइजरी इंडस्ट्री नाल जुड़े हुए सारे सत्कारयोग साथियों, सबसे पहले तो राव साहब मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे एक बहुत ही छोटे से निमंत्रण पर आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर आज लुधियाना पधारे। इससे पहले भी यहां पर कई कपड़ा मंत्री आए होंगे, पर मैं अपने सब साथियों को यह बताना चाहता हूं कि जब मैं राव साहब को बेनती की थी कि लुधियाना रोटी कपड़ा और वाहन का शहर है और जड़ा कपड़े का उद्योग है, होइजरी की इंडस्ट्री है, लुधियाने का हर घरों नाल जुड़िया हुआ है और तुसी वजीर बने हो और साडे लई ये एक बहुत बड़ा हुंगारा होगा जे तुसी लुधियाने आओ, जिहड़े उद्योग नाल लोग संबंधित ने उन्हां नाल विचार वटांदरा करो, उन्हां दीआं समस्यावां सुनो, उन्हां नाल जाणू हो और जे लुधियाने की कोई मदद तुसी कर सको तो असीं तुहाडे बहुत ही मशहूर रहांगे। और मेरे लिए ये बहुत खुशी की गल है कि उन्होंने अपना इस गल नूं स्वीकार किया, मन्निया और अज साडे विच विराजमान ने। कल शाम तो ही इन्होंने वक्-वक् जिहड़ियां डेलीगेशन्स ने, वक्-वक् लोग ने, उन्होंने विचार सुने ने और मैं जरूर ये उम्मीद करता है कि जिहड़ियां इंडस्ट्री दीआं दो तीन वड्डियां समस्यावां ने उन्हूं सॉल्व करन वास्ते, उहदा कोई ना कोई निवारण करन वास्ते ये जरूर सानूं हौसला और भरोसा दे के जाणगे। वड्डी गल ये है कि लुधियाने की जिहड़ी होइजरी इंडस्ट्री है या साइकिल इंडस्ट्री है या लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, वो सरकार के प्रोत्साहन नाल नहीं पर सरकार तो बावजूद उन्हें पूरे मुल्क के विच अपने पैर लाए ने। और चाहे आर्थिक हालात वधिया रहे हो या दुनिया दे विच आर्थिक महामंदी रही होवे, उन्हां सारियां चीज़ां नूं अपने संज्ञान च लैके उन्हां दा संताप झेलदे हुए इंडस्ट्री ने तरक्की कीती है। पर इहदे नाल नाल जरूर कह कहते ने गल कहण वाली है कि सरकारां दा ये जिम्मेवारी बनती हैगी है
कि इंडस्ट्री नूं जिन्ना वध तों वध प्रोत्साहन दिता जाए उन्ना घट। लुधियाने की एक बहुत वड्डी मंग रही है और मैं मंत्री जी नाल पहला भी इस गल बारे जिक्र किया सीगा कि जिहड़े साडे नौजवान ने जिहड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज चो पढ़ के निकलते ने जिन्हां दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे विच एक दिलचस्पी है वह जरूर यह उम्मीद करते ने कि इंडस्ट्री के एडे वड्डे सेंटर दे विच एक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जरूर होना चाहिए। और वैसे तो नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का जो मॉडल है जी जमीन हैगी है और जी कैपिटल कॉस्ट है वो सूबे की सरकार मुहैया करवाती है, पर मैं उस सियासत ना जाके क्योंकि पंजाब के जो आर्थिक हालात ने वो साढ़े तो कोई छुपे नहीं हुए। मैं जरूर इन्होंने बेनती करना चाहूंगा क्योंकि दर्शन डावर जी ने और बिरलानी साहब ने और इन्होंने साथियों ने यह पहल की है कि भाई जो टेक्सटाइल पार्क है उसके निफ्ट वास्ते यह जगह देने को तैयार ने। मैं जरूर उम्मीद करूंगा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री तो कि एक पब्लिक प्राइवेट मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल दे तौर पर इन लेके लुधियाने का जो टेक्सटाइल पार्क है उसके विच निफ्ट की स्थापना की जाए और उसके नाल नाल इस इंस्टीट्यूट को बनाने वास्ते जो भी माली सहायता जरूरी है वो माली सहायता भी केंद्र सरकार वालों दी जाए। और मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि आज जो राव साहब सानू संबोधित करेंगे ये जिहड़ी मंग हैगी है ये आज ये जरूर मन के जाएंगे और छेती असी जिहड़ा निफ्ट का फाउंडेशन स्टोन है वो लुधियाना टेक्सटाइल पार्क के विच रख सका। जिथे तक रही एग्जीबिशन सेंटर की गल मैं इस इंडस्ट्री की मांग नाल पूरी तरह सहमत है कि इत्थे एक एग्जीबिशन सेंटर की लोड़ हैगी है। जिवें सिंगला साहब ने कहा कि बायर और सेलर मीट जिथे समान वेचण वाले और समान खरीदण वाले आपस मिल सकन एक कोई है जा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए है। उदे सब तो बड़ी लोड़ पैंदी है कि जमीन मुहैया करवाई जाए और मैं आज इस मंच तो सूबे की सरकार नूं भी ये बेनती करना चाहूंगा कि जिथे केंद्र सरकार का एक फर्ज बनता है कि इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिता जाए उत्थे सूबे की सरकार का भी एक बहुत बड़ा फर्ज बनता है